स्टूडेंट्स को संबल दिया जा रहा है, तो जॉब सीकर्स की जगह इंडिपेंडेंट रिलायंट सेल्फ रिलायंट लोग पैदा होंगे। तो एनईपी 2020 बहुत मौका दे रही है। जय हिंद, स्वागत है आपका मेरे चैनल आई बिग वंडर पर। व्यावसायिक या वोकेशनल एजुकेशन, इसको हमेशा हमारे देश में दोयम दर्जे का स्थान मिला है। पता नहीं क्यों, क्या कारणों से हमेशा जो एकेडमिक या मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट थे उन्हीं छात्रों को हमेशा अच्छा माना गया और एक सोशल स्टिग्मा भी इसके साथ जोड़ दिया गया है। जबकि सुबह से शाम तक अगर हम देखें तो हमें लगातार, चाहे हमारी पानी की टैप हो, बिजली हो, लैपटॉप हो, हर चीज़ में स्किल की ज़रूरत पड़ती है। तो 2012 से 17 के अंदर जब 12वीं पंचवर्षीय योजना बन रही थी तो एक सर्वे किया गया जिसमें 19 से 24 वर्ष के जो लोग हैं कि बड़ी हैरानी की चीज़ सामने आई कि उन्होंने केवल 5% लोगों ने वोकेशनल एजुकेशन हमारे देश में शिक्षा प्राप्त करी थी। और इसको कंपेयर करके देखते हैं विश्व में, यूएसए में 50% से अधिक बच्चों ने एजुकेशन प्राप्त करी, और जर्मनी में लगभग 75%, और वो देश जहां से सैमसंग, एलजी, हुंडई सारे प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करते हैं, साउथ कोरिया, वहां पर 96% बच्चों ने वोकेशनल एजुकेशन प्राप्त करी थी। देखिए, कौशल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौशल एजुकेशन को समझने के लिए आज हम अपने पूरे वीडियो को, आप जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट तक मेरे साथ जुड़ जाएं। धरती की शान तू है भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती से अंबर को जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है, नयनों से ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छुपा महाकाल है, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रकुटी में तांडव का ताल है, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। यही बात करने के लिए, स्किल्स को समझने के लिए कि ये जो कौशल है हर व्यक्ति के अंदर छुपा हुआ है, देयर इज इननेट टैलेंट एंड इननेट क्वालिटी। हमने एनईपी 2020 ने जो उसको बहुत ही ब्यूटीफुली एड्रेस किया हुआ है, कैसे उन्होंने देखा कि बच्चे कई बार पढ़ाई में अनइंटरेस्टेड हो जाते हैं, मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स में अनइंटरेस्टेड हो जाते हैं, तो अकेडमिक्स, नॉन अकेडमिक्स, करिकुलर, नॉन करिकुलर, इन सारी चीज़ों को इंटरडिसिप्लिनरी बना दिया गया है और हर एक की बराबर वैल्यू है। देखिए, NSQF जो 2013 में एस्टैब्लिश हुआ था, क्या है NSQF? नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। आइडेंटिफाई किया गया कि 11वीं 12वीं में ही आकर बच्चे पॉलिटेक्निक या ITI में क्यों एडमिशन लेते हैं, क्योंकि शायद कोई वर्टिकल मोबिलिटी नहीं है, माने हायर एजुकेशन में बच्चों को इजीली अगर वो चाहें स्किल डेवलपमेंट करने के बाद हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना, तो शायद उनको वो स्कोप नहीं था, तो इसको आइडेंटिफाई किया गया है। और बहुत बार ये माना गया है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई एकेडमिकली वीक है तो वो वोकेशनल स्किल्स या वोकेशनल एजुकेशन ले लेते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमें इस सोशल स्टेटस या स्टिग्मा से बाहर आना पड़ेगा। कैसे? हर बच्चे को मिडिल क्लास से, माने क्लास 6 ऑनवर्ड्स, कम से कम एक वोकेशनल स्किल सिखा दी जाएगी और एक्सपोजर टू मेनी वोकेशनल स्किल्स दे दिया जाएगा। फायदा क्या होगा? डिग्निटी ऑफ लेबर, इंपॉर्टेंस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, और इंडियन आर्ट्स एंड आर्टिसंस के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी बच्चों के मन में। टारगेट तो ये है कि 2025 तक लगभग 50% लर्नर्स स्कूल और हायर एजुकेशन में जो हैं उनको वोकेशनल एजुकेशन का एक्सपोजर दे दिया जाए। अब इसको 4.4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी जोड़ा जा रहा है, राइट? इसका मतलब हमारा जो इंडियन डेमोग्राफी का डिविडेंड है उसके फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज करने का टाइम आ गया है। देखिए, स्कूल्स जो है कोलैबोरेशन में वर्क करेंगे, ITIs, पॉलिटेक्निक, लोकल इंडस्ट्री, जिसको बोलते हैं हम लोग NGOs के साथ मिलकर, और लगातार बच्चों को एक्सपोजर देंगे। मैंने जैसे पहले बोला, बी वोकेशनल 2013 में बन गया था, अब ये कंटिन्यू होगा और इसको प्रॉपर स्टेटस दे दिया गया है, प्रॉपर ग्रेजुएशन का स्टेटस दे दिया गया है। टीचर्स कहाँ से आएंगे इतने सारे स्किल्स के? तो टीचर्स के लिए भी लोक विद्या, माने कि छोटे छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज होंगे। मैंने पहले अपने वीडियोस में कहा है BEd के प्रोग्राम को चेंज करने के लिए, आप चाहें तो आई बटन पर मेरा टीचर्स ट्रेनिंग का वीडियो देख सकते हैं, जहां पर 4 साल का BEd का प्रोग्राम और 2 साल और 1 साल का भी प्रावधान है। लेकिन अगर आप मेन स्ट्रीम टीचर होते हुए भी स्किल्स में कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो लोक विद्या को, जिसको फायदा मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। अच्छा, यहीं पर स्थापना हुई NCIVE। क्या है ये? नेशनल कमिटी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। इसका फायदा क्या होगा? इंटीग्रेट करेंगे वोकेशनल एजुकेशन के स्टूडेंट्स को और मेन स्ट्रीम एजुकेशन के स्टूडेंट्स को।
समझने वाली बात यह है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स को वोकेशनल एजुकेशन में कहा गया है। तो आज हमने जो बात करी, चलिए इसको जल्दी से कुछ 10 पॉइंट्स के तरीके से दोहराते हैं, सब्जेक्ट्स भी समझने की कोशिश करते हैं और क्या क्या हमने सीखा इसको भी करते हैं। तो नंबर एक, नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स साइंस करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर वोकेशनल एंड अकेडमिक, सब बराबर है। तो जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा वो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड होगा। एनईपी 2020 में पेज 43 पर 16वें पाठ में ये कहा गया है, री इमेजिनेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, और इसको बिल्कुल भी इंफीरियर नहीं माना जाएगा मेनस्ट्रीम सब्जेक्ट से। तीसरा पॉइंट, इंक्लूसिव इंटर ऑपरेबल इंटर डिसिप्लिनरी और क्या आउटकम बेस्ड, जो बच्चा सीखेगा उसको यूटिलाइज कर पाएगा। चौथा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हमने जो चर्चा करी कैपेसिटी बिल्डिंग सभी स्किल्स की होगी, और कौन सी स्किल्स हैं ये जो 21वीं शताब्दी में स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ध्यान रहे, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कहा है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग कोडिंग रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकल इंडस्ट्री लोकल क्राफ्ट्समैन और आर्ट्समैन जो हमारे आसपास हो रहे हैं, इन सारी स्किल्स की जरूरत हमको 21वीं शताब्दी में पड़ेगी। नंबर पाँच, स्कूल्स छठी से क्लास सिक्स ऑनवर्ड्स इनको ऑफर करेंगे मिडिल में, और ये वोकेशनल स्किल के साथ साथ क्राफ्ट सेंट्रिक होंगी। कुछ सब्जेक्ट्स के साथ आपके साथ चर्चा कर लेती हूँ, जैसे स्कूल्स ऑफर कर सकते हैं कारपेंट्री इलेक्ट्रिक वर्क मेटल वर्क गार्डनिंग पॉटरी। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या एक ही स्कूल को ये सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि स्कूल्स कॉम्प्लेक्सेस की तरह वर्क करेंगे, और जैसे इंटरडिसिप्लिनरी होगा इसी प्रकार हमारे शिक्षक भी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, स्कूल्स भी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो हर स्कूल को इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज नहीं करना पड़ेगा आपको उस कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़कर, पर आप चाहें तो मेरे पहले वीडियोस को देख सकते हैं। अच्छा, छठा पॉइंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। लोक विद्या, छोटे छोटे आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं और उससे टीचर्स भी अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। एनईपी लगातार कह रहा है टीचर इज ऑन द मेन फोकस अलॉन्ग विद द चाइल्ड। अच्छा, NCIVE जो मैंने सातवां पॉइंट पहले अपने वीडियो में डिस्कस किया, आप उसको बैक जाकर भी दोबारा देख सकते हैं, वोकेशनल एजुकेशन को का इंटीग्रेशन किया जाएगा अकेडमिक्स के साथ साथ। और नंबर एट बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉब मार्केट का ओरिएंटेशन छठी से स्टार्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स को ये पता चल जाएगा क्लास सिक्स ऑनवर्ड से सेवन्थ एट कितना टाइम बच्चे को मिल रहा है, और साथ साथ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री का ऑप्शन दिया हुआ है वर्टिकली, माने कि बच्चा स्किल पढ़ाई कर रहा है लेकिन उसको जाकर फिर मेन स्ट्रीम पढ़ाई करनी है, बिल्कुल ऑप्शन अवेलेबल है। RPL का मतलब क्या होगा, रिकॉग्निशन ऑफ प्रीवियस लर्निंग, माने पहले जो सीखा वो बेकार नहीं होगा। तो ये जो रिपोर्ट कार्ड बन रहा है ये स्टूडेंट के डोजियर की तरह बन रहा है, कोई भी रिपोर्ट कार्ड वेस्टेड नहीं है, उसने क्या स्किल सिक्स में सीखी उस स्किल के सर्टिफिकेट का यूज वो जाकर अपने 12वीं में कर सकते हैं। राइट, फायदा क्या होगा, इससे इंडियन स्टैंडर्ड्स को मिलाया जाएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ, और इसको मेंटेन कौन करेगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन सारी पॉइंट्स को करने के बाद देखिए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप पर पूरा पूरा जोर दिया गया है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि सुबह उठकर शाम तक हम लगातार स्किल वाले लोगों की हमें ज़रूरत पड़ती रहती है, आपको कूलर ठीक कराना है, आपको एसी ठीक कराना है, आपको अपने घर में कोई भी काम की ज़रूरत पड़ती है छोटे से छोटे काम के लिए, तो स्टूडेंट्स को संबल दिया जा रहा है। तो जॉब सीकर्स की जगह इंडिपेंडेंट रिलायंट सेल्फ रिलायंट लोग पैदा होंगे। तो NEP 2020 बहुत मौका दे रही है, मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो बहुत लोगों को बहुत फायदा करेगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लोगों तक इसको पहुंचाएं, स्टूडेंट्स स्कूल्स हायर एजुकेशन के लोग पेरेंट्स, ताकि वो समझ पाएं और इसके बेनिफिट्स ले पाएं। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं ज़रूर आपको उत्तर दूंगी। मैं हमेशा बोलती हूँ, एवरीबडी हैज़ अ राइट टू से आई बिग वंडर। आज के लिए जय हिंद।